एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट, ये आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या लिखा है आपका, पहला 3 × -1, तो एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है और एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, तो 3 × 3 और ये प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके, सेकंड दिया हुआ है -1 × 225, -1 × 225 में 225 × 225 और ये माइनस प्लस माइनस। सिमिलर हियर थर्ड में -21 × -30 दिया हुआ है, तो पहले माइनस माइनस आपको क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 21 × 0 = 21 × 3 = 630। ओके, इतना आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, -1, -2 और -3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो -1, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। मल्टीप्लाई 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 = 12 और माइनस प्लस माइनस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 × 2 = 24 और प्लस माइनस माइनस। ओके, सेम एज यहाँ पे -3, -6 को मल्टीप्लाई करो पहले, तो 6 × 3 = 18 और ये माइनस माइनस प्लस। और यहाँ 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 और प्लस माइनस माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 2 = 36 और प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको वेरीफाई करना है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और इन इट इज योर राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो LHS इज इक्वल टू 18 × 7 + -3, तो आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, 18 × 7 + -3 = 4 आएगा, तो 18 × 4 = 72। और इस साइड राइट हैंड साइड में 18 × 7 + 18 × -3, तो 18 × 7 = 7, 8 = 56, 5 carry 7 × 7 + 5 = 126, और यहाँ पे 18 × 3 = 54। ओके, 126 + −-54 करेंगे तो आपको 72 मिलेगा, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो आपका दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, के आपको प्रॉपर्टीज का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहला दिया है आपको 26 × 48 + 48 × 36, तो दोनों ही पार्ट में अगर देखो तो 46 आपका कॉमन है, तो आप इसको बाहर ले लो, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, 26 और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट है -36, सो -48 और यहाँ पे 26 − 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा, 10, तो -410 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 480 आंसर आएगा। सेम एज यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 8 × -125 × 53, सो 125 × 8 = 1000 × 53, तो आपका 53 और 000, ये आपकी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। और ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड फ्रॉम द 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एवरी आवर। ओके, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
तो आपको क्या बोला, पूछा कि आफ्टर टेन आवर टेम्परेचर कितना होगा। तो आपका 10, 40 ऑलरेडी है और 10 आवर्स, तो 10 × -5 करेंगे 40, और आपका 10 × 5 = 50, -50, तो आपका कितना होगा -10 °C। आपका क्या होगा टेम्परेचर होगा और आफ्टर 10 आवर्स। ओके,